नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज और उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में अलविदा जुमे की नमाज अदा हुई। रमजान के पाक महीने का आखिरी जुमा जिसे अलविदा जुमा कहा जाता है, शुक्रवार को अलविदा जुमा की नमाज को संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा। वहीं मऊ जिले के शाही कटरा के मैदान में स्थित शाही मस्जिद सहित अन्य जिलों में अलविदा जुमा की नमाज पढ़ी गई। वहीं चप्पे चप्पे पे सुरक्षा बलों की तैनाती की गई और कड़ी सुरक्षा के बीच रोजेदारों ने अलविदा जुमा की नमाज अदा की। इस दौरान अकीदतमंद ने बताया कि आज रमजान माह का आखिरी जुमा है जिसे अलविदा जुमा कहा जाता है। हम लोग ने आज देश के अमन व शांति के लिए दुआ किया। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि अलविदा जुमा को लेकर हम मुस्तैद हैं और हर जगह जगह सुरक्षा बल तैनात है और शांतिपूर्वक नमाज को अदा कराया गया। साथ ही कहा गया जनता को अलविदा जुमा की मुबारकबाद भी दी। आप देख रहे हैं मऊ ब्यूरो की रिपोर्ट। अलविदा जुमा है, रमजान शरीफ के 30 बजे के बाद जो आखिरी जुमा पड़ता है उसको अलविदा जुमा कहते हैं और उसकी बड़ी अहमियत है। और आज की ऐसी रात है कि ये सब कद्र की भी रात है। हमारे इस्लाम धर्म में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब मिराज पर गए थे, उस मिराज की भी रात है सब कद्र। इसलिए अलविदा जुमा की बहुत अहमियत होती है और सभी मुसलमान भाई इसको बहुत अहमियत से अदा भी करते हैं। और आज के जुमा में मुल्क और मिल्लत के लिए हिफाजत के लिए दुआ भी हुई, ईद की नमाज की भी ऐलान हुआ। आज सभी हमारे मुल्क में अमन अमान रहे, खुशहाली रहे, इमाम साहब ने सबके लिए दुआ भी कराई, इसीलिए अलविदा जुमा की अहमियत को बताया उन्होंने। सुरक्षा के इंतजाम में ज़रूरी ऑफिसेज की ड्यूटियाँ छोड़ करके जैसे सभी पुलिस बल को सड़क पर उतार दिया गया है। कोतवाली नगर क्षेत्र में एक प्लाटून PAC, 4 इंस्पेक्टर अलग से और ढेर सारी पुलिस फोर्स, इसकी संख्या 50 से अधिक होगी। विभिन्न मस्जिदों में पेट्रोलिंग में लगाया गया, दक्षिण 16, सराय लखनसी और इस प्रकार पूरे जनपद को जहाँ पर भी मिश्रित आबादी है, घनी आबादी है, घोसी हुआ, मधुबन, कोपागंज, चिड़ैयाकूट, मोहम्मदाबाद, इन सबों पर अतिरिक्त पुलिस बल। बाहर से हमें एक कंपनी PAC प्राप्त हुई थी, एक कंपनी SSP प्राप्त होने की सूचना थी, लेकिन वो रास्ते में होने की वजह से अभी पहुंच नहीं पाए। फिलहाल जनता के सहयोग से पुलिस मित्रों के और आप लोगों के रेगुलर मार्च करके अभी कराई जा रही है। नमाज 80% के आसपास नमाज अलविदा की पूरी हो चुकी है, जिसकी हमें रिपोर्ट आ चुकी है। 20% भी सक्सेसफुल निपट जाएगी ऐसा हम उम्मीद करते हैं, सबसे सहयोग की अपेक्षा भी करते हैं और रमजान के इस अवसर पर सबको हमारा बात भी देते हैं। अलविदा की नमाज डॉग स्क्वाड भी लगाए गए थे क्या यहाँ संपूर्ण पुलिस? मैंने आपको बताया पुलिस के हमारे जितने संसाधन है, फील्ड यूनिट हो, हमारा स्वाट टीम के लोग हों, आज ही स्पेशल ड्यूटी पर सबको लगा दिया गया है ताकि जनपद में सकुशल यह जो हमारा अंतिम जुम्मा है निपटे और कहीं कोई भी विवाद ना। थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए घंटी बटन दबाएं।